So hey, welcome to this another episode with me. Our sure इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, हमने यहाँ लिख रखा है टॉप MBA कॉलेजेस थ्रू CMAT, बट टॉप कॉलेजेस फॉर एन एवरेज स्टूडेंट. द मेन टॉपिक इज कि एवरेज स्टूडेंट के लिए CMAT के थ्रू कौन से कॉलेजेस हो सकते हैं NCR के अंदर. हम बेसिकली वो डिस्कस करने वाले हैं, राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऑल काइंड ऑफ कॉलेजेस. दैट इज़ द रीज़न मैंने आई हैव टेकन माई पेन बिकॉज मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें ऐड करने पड़ेगी. तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना अगर आप CMAT देने वाले हो और आपको दिल्ली के अंदर कॉलेजेस चाहिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. वेलकम बैक टू द एपिसोड. एंड आई थिंक सभी स्टूडेंट्स या तो CET या CMAT के लिए होल्ड पे हैं. आई मीन दे आर लुकिंग, दे आर एक्सपेक्टिंग कि CMAT एक बार हो जाए, देन वील काइंड ऑफ फाइनलाइज दैट वेयर वी शुड टेक आवरसेल्फ. सो आई थिंक कॉलेजेस सिलेक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि जब हम वीडियो बना रहे होते हैं, ऑन कैमरा बोल रहे होते हैं कोई चीज़, तो उसका इम्पैक्ट काफ़ी अलग होता है. क्योंकि मैं हर बच्चे से बात करूं ये पॉसिबल नहीं है, और हर बच्चा फॉर्म फिल करके डिटेल में जाने ये भी पॉसिबल नहीं है, राइट. तो इसीलिए वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूं कि हो सकता है मैंने लिस्ट में कुछ कॉलेजेस में स्किप कर जाऊं. और कई बार बच्चे बोलते हैं ना कि आपने ये वाला कॉलेज तो डिस्कस किया ही नहीं. टॉप जैसा वर्ड कुछ भी नहीं होता है. उसका रीज़न ये है, एक बच्चा जिसका 99 है कैट में और एक बच्चा जिसका 9 है कैट में, उस दोनों के लिए कॉलेजेस अलग होंगे. सेम अगर हम बात करें, एक स्टूडेंट जिसका 99.99 है CMAT में, एक स्टूडेंट जिसका 95 है CMAT में, और एक स्टूडेंट जिसका 19 परसेंटाइल है CMAT, उसके कॉलेजेस वेरी करेंगे. अब इसमें भी 2-3 पैरामीटर्स और है. कम्युनिकेशन कैसी है, बजट क्या है, 10th 12th ग्रेजुएशन में क्या है, आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, अबव एवरेज स्टूडेंट हो, इनटेक चल जाएगा, ब्रांड चाहिए, मतलब अगेन ROI चाहिए. तो इसके अराउंड चीज़ें हैं जो वेरी कर रही होती हैं. और गूगल पे जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो काफ़ी मैनिपुलेटेड होती है. आई थिंक मैंने कई सारी वीडियोस में बताया, अगर आप टॉप कॉलेजेस थ्रू CMAT सर्च करोगे, इवन जो टॉप कॉलेजेस हैं वो नहीं आएंगे, मतलब आलतू फालतू कॉलेजेस बीच में आ जाएंगे. एंड यू फील लाइक दैट दिस इज़ द टॉप कॉलेज. तो शुरू करने से पहले, क्योंकि ये मेरा आई थिंक फ़र्ज़ बनता है कि मेरी वीडियो से कोई भी गलत रास्ते पे ना जाए, पहले अपनी प्रोफाइल देखें, अपना सेल्फ एनालिसिस करें, देन डिसाइड करें उसको कहाँ जाना है. और कहीं पे भी आपको हेल्प लग रही है तो नीचे एक फॉर्म का लिंक दिया है, दैट्स कॉल्ड प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म. बिकॉज आई ऑलवेज से कॉलेजेस वेरी फ्रॉम प्रोफाइल टू प्रोफाइल, सो आप उसको फिल करके भी डिटेल्स ले सकते हैं. नाउ वी स्टार्ट विद द फर्स्ट कॉलेज. यहाँ पे BIM Tech है, बट मेरे हिसाब से 2 कॉलेजेस जो आप ग्रेट लेक से गुड़गांव आप टारगेट कर सकते हैं अगर आपका ED 5+ है. मैंने इस पे एक स्टूडेंट का इंटरव्यू भी लिया था, उसका भी वैसे परसेंटाइल 90 के आसपास था, बट ग्रेट लेक्स गुड़गांव आप देख सकते हैं, दूसरा BIM Tech दे सकते हैं. अब यहाँ पे ग्रेट लेक्स गुड़गांव जो बच्चा ले रहा है, जैसे मैं अभी आज ही एक स्टूडेंट से बात करी थी, हिज नेम वाज साहिल, राइट. आई मीन उस इज लुकिंग फॉर कॉलेजेस, लेट्स से ग्रेट लेक्स देख रहा है, IMT देख रहा है, IMT हैदराबाद देख रहा है, KG सुमाया. अब कहीं जगह उसका बजट बहुत एक्सटेंड हो रहा है, उसको ROI चाहिए, राइट, विद ब्रांड, राइट. कहीं जगह एक्सटेंड नहीं हो रहा है, तो ये भी पैरामीटर. जैसे BIM Tech कुछ बच्चे चाहते हैं ले लेते हैं, मैंने अभी रिसेंटली BIM Tech के वीडियो बनाए, और कुछ बच्चे ड्यू टू द हाई इन्वेस्टमेंट उनके बजट में ही नहीं आता है. दो मतलब आप CMAT के थ्रू उसको टारगेट कर सकते हो, बट ये कुछ चीज़ें हैं. तो पहले तो आप ग्रेट लेक्स गुड़गांव देख सकते हैं, एंड देन यहाँ पे लिस्ट में BIM Tech नोएडा दिया हुआ है. इसका एवरेज पैकेज यहाँ पे 8 है, बट मैंने स्टूडेंट से बात की थी 9-10 लाख का एवरेज एज पर 23 है. मार्केटिंग के लिए नोन BIM Tech नोएडा कहीं ना कहीं है. तो बट अगेन 17 लाख का इन्वेस्टमेंट है व्हेन इट कम्स टू द कॉलेज. थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स है, राइट, रेसिडेंशियल है, तो आप ये कॉलेज दोनों देख सकते हैं. देन जिंदल ग्लोबल OP, इसको लेके मैंने काफ़ी नेगेटिव भी सुने हैं, पॉजिटिव भी सुने हैं. आई एम नॉट सेइंग क्योंकि मैंने सेकंड पर डाला है तो ये टॉप कॉलेजेस हैं. ये कंटेंट इज बीन बाय माय टीम एंड दैट इज द रीज़न आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू. क्योंकि बच्चा अगर CMAT दे रहा है तो वो BML मुंजाल भी अप्लाई करेगा, OP जिंदल. बट अगर आप BML मुंजाल और OP जिंदल में कन्फ्यूज हो, राइट, आई एम नॉट सेइंग कि इसके लिए आपको कोई एज सच 90-80 नहीं चाहिए. अगर आपका लेट्स से 60 परसेंटाइल भी है, 50 परसेंटाइल भी है, 40 परसेंटाइल भी है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो. बट बिटवीन बोथ ऑफ देम मैं आपको थोड़ा सा कंक्लूड कर दूं, BML ज़्यादा बेटर है कंपैरेटिवली टू OP जनरल, बट आप जनरल ग्लोबल भी देख सकते हैं. एवरेज पैकेज नहीं अवेलेबल है, हाईएस्ट 15 है मेरे हिसाब से, नियर अबाउट 6-7 ही होगा एवरेज पैकेज। देन सॉइल है, अब सॉइल बच्चा बहुत पूछता है क्योंकि ब्रांड वैल्यू, पर मैं आपको ये भी बता दूं मैंने सॉइल पे भी वीडियो बनाया है। सॉइल के पीजीडीएम को प्लेसमेंट के लिए बच्चे ने बुरा नहीं बोला, बट इनके मैनेजमेंट को लेके काफ़ी इशूज़ है। फैकल्टीज़, जैसे एक स्टूडेंट से मैं बात कर रही थी, फैकल्टीज़ का ही सेड कि यू नो इट्स कीप ऑन चेंजिंग राइट। तो अगेन आप इसको भी सीमैट के थ्रू टारगेट कर सकते हैं, बट यू हैव टू री वेरीफाई ऑल दोज कॉलेजेस की क्या प्रायोरिटी। इसके पीजीडीएम को लेके अच्छे रिव्यूज़ है, जो इनका एग्जीक्यूटिव वाला कोर्स है फॉर दी एक्सपीरियंस, पर पीजीडीएम और पीजीपीएम के लिए बिल्डिंग्स काफ़ी अलग हैं राइट। और इस साल इन्होंने फीस भी बढ़ा दी है, तो वो अगेन आरओआई वाली चीज़ है। एवरेज पैकेज 9.7 है, मतलब उसी के आसपास का एवरेज पैकेज है। हाईएस्ट 20 लाख क्लेम कर रहे हैं। फीस और हॉस्टल मिला के थोड़ा सा फीस जो है वो एक्सटेंड करेगा। सो दैट वाज सॉइल इन द लिस्ट। देन जयपुर या नोएडा, ये भी बहुत बच्चा मांगता है। अब इसके लिए पहले मैं बोलती थी 40 भी है, 30 भी है, 20 भी है, 10 भी है, तुमको मिल जाएगा। बट इस साल इन्होंने मिनिमम 50 मांग रखा है। भाई तुम मैट दे दो, तुम कैट दे दो, तुम सीमैट दे दो, प्रोविजनल लेटर दे रहे हैं, अगर आपका 50 आ जाता है तो आपका कन्फर्म हो जाएगा। इनका एवरेज 11 क्लेम कर रहे हैं, बट हम 8-9 मान लेते हैं इसका। It has 4 campuses: इंदौर, जयपुर, नोएडा एंड लखनऊ। सेंट्रलाइज प्लेसमेंट है। मैं बहुत सारे बच्चे नोएडा को प्रेफरेंस देते हैं, बट आई ऑलवेज रिकमेंड कि जब प्लेसमेंट सेम है, पढ़ाई सेम है, तो आई थिंक यू शुड प्रेफर फॉर इंदौर कैंपस देन नोएडा कैंपस। ये मेरा पर्सनल सजेशन, बिकॉज फ्यू ऑफ माई इंटर्न्स हैव कंप्लीटेड फ्रॉम इंदौर, सो दैट इज ऑल्सो समथिंग व्हाट आई वांट टू से। हाईएस्ट 22 इज समथिंग व्हाट दे से। देन एनडीआई में अब इसको कुछ स्पेशलाइजेशन के लिए आप रख सकते हैं। एज सच कोई स्पेसिफिक परसेंटाइल रिक्वायर्ड नहीं है, बट कम्युनिकेशन, ओवरऑल अकेडमिक्स, सम मार्केटिंग के लिए ये ठीक कॉलेज है। फीस बात करें तो फीस इतनी है, एवरेज अवेलेबल नहीं, बट एवरेज आप मान के चलो 7-8 लाख के आसपास का होगा। एंड दैट्स एनडीआईएम दिल्ली राइट। एंड आप इसको भी रख सकते हैं, बट एज सच कोई कट ऑफ नहीं है, मैं एवरेज स्टूडेंट के लिए बात कर रही हूँ। देन उसके बाद आईएमएम है राइट, दिल्ली। इसके लिए भी एज सच कोई कट ऑफ नहीं है सीमैट के थ्रू, पर अगर हम बात करें तो ये काफ़ी पुराना कॉलेज, आई थिंक 50-60 साल पुराना कॉलेज है। एंड इट्स कॉलेज मैनकाइंड ग्रुप का है। एवरेज 7-7.5 का है इसका राइट। मेरी एक बच्ची से बात हो रही थी, हनी मिस चारवी तोमर, शी सेड दैट पढ़ाई वाइज वट एवर द क्लेम, पढ़ाई वाइज काफ़ी अच्छा है राइट। शी ऑल्सो गेट प्लेसमेंट, बट अगेन मैं वही कह रही हूँ, क्या स्पेशलाइजेशन है, क्या बजट है, क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से दे सकते हैं। तो इन जनरल बात हो रही है, कोई कॉलेज अगर स्किप किया हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जैसे मैंने अभी तक बीएमएल मुंजाल लिया है, बट आप सीमैट के थ्रू बीएमएल मुंजाल को भी टारगेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आईआईएलएम है, इनके 3 कैंपसेस है, लोधी, गुड़गांव। आईआईएलएम नोएडा का अलग इन्वायरमेंट है, गुड़गांव का अलग है, लोधी का अलग है। पहले ये सब अलग अलग करते थे, अभी सेंट्रलाइज इन्होंने भी कर दिया है। एवरेज पैकेज हम बात करें तो 6.5-7 लाख, मतलब 6.5-7 लाख का है इस कॉलेज का। इस पर मैंने वीडियो भी बनाया है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आप सीमैट में नो सच कट ऑफ राइट। अगर आपका लेट्स से 10 परसेंटाइल भी है सीमैट में, पर आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आप सीमैट के थ्रू देख सकते हैं। बिकॉज ऑल इन ऑल अगर आप देखेंगे तो सारे ही कॉलेजेस के एवरेज पैकेज 6.5 से 8 के बीच में लाए कर रहे होंगे, और कुछ के 8 से 9 के बीच में लाए कर रहे होंगे। देन जिम्स रोहिणी है, जिम्स रोहिणी की अगर हम बात करें, एवरेज 4 पॉइंट, ये गलत दिया है, आप मान के चलिए 7 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज है। कुछ था, मतलब ये कॉलेज जो है, मुझे ऐसा लगता है व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग ऑल दीज वीडियो, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर काफ़ी हाइप था, थोड़ा सा मार्केटिंग में ये पीछे है। बहुत सारे बच्चे अपनी लिस्ट में अभी भी रखते हैं, तो आप इसको भी देख सकते हैं थ्रू सीमैट। आज जिम्स रोहिणी, जिम्स रोहिणी के साथ जिम्स कालका जी भी आप देख सकते हैं राइट। एंड इनका एक कॉलेज जयपुर में भी है, जिम्स जयपुर, जो बच्चे जयपुर के हैं वो भी देख सकते हैं। देन जे के बिजनेस स्कूल से पहले आई थिंक बहुत सारे कॉलेजेस और मिसिंग हो गए, जैसे फर्स्ट टाइमा नहीं है लिस्ट में, फर्स्ट टाइमा बच्चे देख सकते हैं। पॉजिटिव फीडबैक, स्पेलिंग में गड़बड़ हो सकती है, बट काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक्स मिल रहे हैं स्टूडेंट, स्पेशली करिकुलम को लेके। एंड इवन जो बच्चे FIIB में हैं, ये बैकग्राउंड नॉइस कहाँ से आ रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा हो जाता है। तो अगर हम बात करें इसकी, तो काफ़ी अगर हम बात करें तो जो स्टूडेंट्स FIIB में हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स जिम्स में हैं, दे इवन सेड कि दे आर डूइंग, क्योंकि वो आसपास ही कॉलेजेस है, तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, फ्रेंड्स भी होते हैं, कोई यहाँ गया कोई वहाँ गया, तो उनसे तो बेटर कर रहा है। और इसका एवरेज पैकेज जो भी है 7-8 लाख का है, तो आप इसको भी रख सकते हैं। कट ऑफ नहीं है इन सभी कॉलेजेस का, बट ओवरऑल प्रोफाइल के बेसिस पे अगर अकेडमिक्स और सारी चीज़ें अच्छी हैं, पर कुछ कॉलेजेस मेरे हिसाब से अभी भी मिसिंग हैं जो नहीं है, वरना आप बाद में मुझसे बोलोगे कि आपने तो बताया ही नहीं। फर्स्ट टाइम अगर हम बात कर ही चुके हैं, आई थिंक FIIB बच्चा पूछता है, वो भी आप देख सकते हैं। जिम्स रोहिणी, जिम्स कालका जी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, राइट। देन कम बजट में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जैसे GL बजाज है, गलगोटिया है, राइट, देन IBI है, ये कम बजट वाले कॉलेजेस हैं। देन इसके बाद अगर हम बात करें, जैसे बच्चा GNIOT भी देखता है, सॉरी IMS गाजियाबाद पूछता है। देन IMS गाजियाबाद के साथ अगर हम बात करें तो हाँ, IMS गाजियाबाद एंड आई थिंक IMS नोएडा में भी है। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस और भी हैं। तो यहाँ अगेन आपके बजट, आपकी लोकेशन, बहुत सारी चीज़ों पे कॉलेजेस वेरी करेंगे। एंड इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दैट, बिकॉज अभी सारे नाम एक बार में बोलना इज नॉट पॉसिबल, अगर कुछ स्किप किया जो आपको लगता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अपार्ट फ्रॉम इट, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड